नमस्कार, मैं चांदनी और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज। अपना अररिया न्यूज, एक नजर हर। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. You cannot save me. अनुराग श्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना अररिया न्यूज। अभी मैं अररिया के टीके मोटर्स में हूं और यहां पे गाड़ी का लॉन्चिंग हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है बजाज का, बजाज पल्सर N160 का जो गाड़ी आज लॉन्च हुआ है, इसके मौके पे यहां पे इन लोगों ने केक काट कर इनका लॉन्चिंग को सेलिब्रेट किया है। और हम आप सभी को बताएंगे कि इस गाड़ी में क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या खास बात है, किन किन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाया गया है और किस तरह के लोगों के लिए ये ज़बरदस्त रहेगा और इस गाड़ी को ख़रीदने से किस तरह से हम अन्य गाड़ी की तुलना में फ़ायदा ले सकते हैं, चाहे वो फ्यूल को लेके हो या फिर अन्य प्रकार का जो भी है। तो हमारे बीच एक एरिया मैनेजर मेरा नाम रंजीत शाह हुआ, एरिया मैनेजर प्रकाश ऑटोमोबाइल्स फॉरबिसगंज मेन डीलरशिप से हूँ मैं। तो आप इन गाड़ी जो 160 सीसी का ये जो गाड़ी है पल्सर का, इनके बारे में आपको बताना है कि क्या ये इनमें किस तरह का स्पेसिफिकेशन दिया गया है और अन्य गाड़ी की तुलना में, अब तक का जो बजाज जितने भी गाड़ी आए हैं उनके तुलना में ये कैसे बेहतर है, किन लोगों के लिए ज़बरदस्त रहेगा और जो माइलेज है इसका, माइलेज वगैरह जो भी है और नया नया चीज़ जो इसमें दिया गया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, किन किन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, उन सब के बारे में आप थोड़ा मेरे दर्शक को आप बताएंगे। खास करके इस गाड़ी में युवाओं के लिए बहुत कुछ दिया गया है। युवाओं को सोच में रखते हुए इस गाड़ी में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसमें डबल चैनल ABS जो कि 160 सीसी के सेगमेंट में किसी भी मॉडल में ये फीचर नहीं दिया गया है। इस फीचर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, अगर आप गाड़ी 100 की स्पीड में भी चला रहे हैं तो आप डायरेक्ट दोनों ब्रेक एक साथ ले सकते हैं और गाड़ी आपका एजिटीज वहीं रुक जाएगा, गाड़ी स्कीड नहीं करेगा, इसका ये बेनिफिट है। और इसकी इंजन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 16 PS जो कि 8750 RPM
जो कि अन्य 160 सीसी के सेगमेंट में अगर देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और 14 NM का टॉर्क जनरेट करती है जो कि खींचने में बहुत मदद करेगी और भागने में। और अगर इसकी बात किया जाएगी, अगर इसकी लाइट की बात की जाएगी तो इसमें LED DRLA दिया गया है जो कि अन्य गाड़ियों से बहुत बेहतर है। और इसमें जो इन्फिनिटी डिस्प्ले दिया गया है जिसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें गियर विजिबल है आपको और जितनी भी सारी फंक्शन है वो आपको ज़रूरत की सारी फंक्शन विजिबल होगी यहाँ पे। और ख़ास इसमें एक और चीज़ दिया गया है जो कि अन्य गाड़ियों में नहीं है, वो इनका है साइलेंसर। आप देख पाएंगे इसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट साइलेंसर दिया गया है जो कि मतलब विजिबल नहीं, साइलेंसर दिखेगा नहीं लेकिन साइलेंसर है। और बताइए, मतलब डिज़ाइन वगैरह के बारे में, जो बजाज का और भी गाड़ी है उससे क्या बेहतर है, किस तरह से बेहतर है ये? ये कंसोल से डिज़ाइन दिया गया है, आप देख पाएंगे इसमें इसका कलर वगैरह जो है, ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छा किया गया है। ये N160 में सबसे बेहतर गाड़ी है इस सीरीज की। इसमें कौन कौन सा वेरिएंट, कलर वेरिएंट अवेलेबल है अभी? इसमें तो अभी एक ही कलर अवेलेबल हुआ है, लेकिन कंपनी की ओर से शायद 3 कलर में ये लॉन्च होगी आगे चल के। अभी मतलब ब्लैक कलर ही लॉन्च हुआ है। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे गाड़ी में? और यहाँ से TK मोटर से लेने में लोगों को क्या फ़ायदा रहेगा? यहाँ पे आप गाड़ी इजीली परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे लोन का सुविधा दिया गया है, 5 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी आपको मिल जाएगा, लोन में चाहे या कैश में चाहे। और इनका प्राइस भी अगर देखेंगे अन्य गाड़ी की तुलना में तो इनका प्राइस कितना पड़ रहा है अभी? प्राइस कितना पड़ रहा है, डाउन पेमेंट मतलब सारा कुछ लगा के ऑन रोड में कितना पड़ रहा है? ऑन रोड इस गाड़ी की प्राइस 1,53,000 के आसपास है। अगर कोई लोन में लेना चाहे, लोन फैसिलिटी में अगर लेना चाहे इस गाड़ी को, तो डाउन पेमेंट कितना? मिनिमम DP 50,000 के अराउंड में हम गाड़ी इसको इजीली में छोड़ सकते हैं कस्टमर। अप्रोक्स यदि 50,000 रुपये अगर आपके पास है तो ये गाड़ी आपकी है, आप लोन के फैसिलिटी के माध्यम से आप इस गाड़ी को परचेस कर सकते हैं, पल्सर N160 परचेस कर सकते हैं और इस गाड़ी का जो लुत्फ है वो उठा सकते हैं। और भी कुछ बताना चाहेंगे? और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि अन्य ब्रांड के तुलना में, जैसे मान लीजिए कि TVS हो गया, फिर हीरो हो गया, होंडा हो गया, उन गाड़ी में अभी जैसे इस रेंज की गाड़ी है, जैसे आपने बताया 1,00,000 कितना बोले 1,53,000 की ये गाड़ी है और इतना सारा स्पेसिफिकेशन इस गाड़ी में है, इस गाड़ी के तुलना में अन्य कंपनी में वैसा कोई गाड़ी है क्या आपको दिखता है? अगर आप इस गाड़ी से तुलना कर सके, तुलना किए जाए तो RTR4 है 160, उसमें भी लेकिन आपको डबल चैनल ABS अवेलेबल नहीं होगा, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं होगा। मतलब इनका कहना है कि अन्य कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो होंडा का हो या फिर हीरो का हो, TVS का हो, अन्य कोई भी ब्रांड हो, उन सब से अगर कंपेयर इनको करे तो ये गाड़ी डबल चैनल ABS का जो ये जो खास बना रहे हैं, इस गाड़ी को जो खास बना रहे हैं डबल चैनल ABS, तो इन्होंने बताया कि डबल चैनल ABS का खास बात ये है कि आप 100 के स्पीड में भी रहेंगे, अगर आप दोनों ब्रेक लेते हैं तो एक बार में आपका गाड़ी जहां है वहीं पे गाड़ी रुक जाती है, दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहती है। और क्या बोले हो? गाड़ी स्कीड नहीं करेगी। अच्छा, गाड़ी मतलब फिसलेगी नहीं, गाड़ी आगे नहीं भागेगी जहां आप रोकना चाहें। ABS की ABS के सिस्टम के माध्यम से वो गाड़ी जहां आप रोकना चाहेंगे वहां गाड़ी रुक जाएगी। अपना अररिया न्यूज़ को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।